हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक स्लिंग बैग लेकर आई हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्क्वायर में है और एक पॉकेट हमारी इधर है, एक पॉकेट हमारी इधर है और काफ़ी बड़ी बड़ी पॉकेट हैं और दो पॉकेट अंदर हैं, एक फुल और एक छोटी। तो चलिए देखते हैं इसका क्या मेज़रमेंट है और कैसे बनाना है। आज का बैग बनाने के लिए सामान चाहिए 10x10 के 2 पीस क्विल्टेड, 10x10 2 पीस लाइनिंग, 4x14 1 पीस क्विल्टेड, 4x26 1 पीस क्विल्टेड, 6x12 1 पीस क्लॉथ, जिप 14 इंच 1, 10 इंच 2, 6 इंच 1, रनर 4, डी लूप 1, बकल 1, बेल्ट 50 इंच 1, 4 इंच 1। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे हम 4x14 इंच के पीस से। 4x14 इंच का पीस ये है और 14 इंच की जो जिप बताई थी मैंने, तो उसको बीच में से हाफ एंड हाफ कट करके मैंने इसको टैक लिया है। इतना आप लोगों को आता ही है और आप लोग इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें अगला काम करेंगे। समय की बचत के लिए मैंने इस तरह से किया है और ये बेल्ट हमने तैयार की है, 50 इंच की बेल्ट है। इसमें बकल डाला है और डी लूप से इसको यहाँ पर इसको भी कंप्लीट कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पर रख करके जोड़ देंगे जिप के ऊपर। अब 4x26 इंच का पीस लेंगे और इसके ऊपर इसको जॉइंट कर देंगे। दूसरे सिरे पर दूसरा जॉइंट कर देंगे। इसको तैयार करने के बाद अब हम 10x10 का पीस लेंगे, जिप और रनर लाइनिंग। इसमें मेजरमेंट करेंगे, 10x10 का है, किसी भी साइड से हम इसको निशान लगा सकते हैं। तो 2 इंच डाउन जाएंगे, 2 करेंगे, सिप लगा देंगे और पीछे लाइनिंग से कवर कर देंगे। दूसरे पीस में मेजरमेंट करेंगे, इसमें हम 4 इंच डाउन जाएंगे। कट करेंगे, जिप लगाएंगे, लाइनिंग से कवर कर देंगे। इस तरह से ये दो पीस हमारे तैयार हो गए। ये 2 इंच पर है और ये 4 इंच पर है। अब इसके बाद जो हमने 6x12 इंच का पीस बताया था और 6 इंच की जिप बताई थी, तो उसका मैंने ये एक छोटा पाउच सिंपल तैयार किया हुआ है। इसको हम लगाएंगे 4 इंच वाले, जो जिसमें 4 इंच डाउन जा कर के जिप लगाई है, उसमें इसको यहाँ पर हम बैक साइड में ऊपर की तरफ सिल देंगे। ध्यान रहे जिप पर नहीं आना चाहिए, ये हमारी जिप है और इतनी ऊंचाई पर हम इसको सिल रहे हैं। अब ये जो हमने तैयार किया था, इसको लेंगे और सबके सेंटर निकाल लेंगे। इसको फोल्ड करेंगे, ऊपर और नीचे के साइड में सेंटर निकाल लेंगे, साइड में अपने आप सेट हो जाएगा। अब इसका सेंटर निकालेंगे, ये जो जिप वाला हिस्सा है जो यहाँ पे जोड़ लगाया है, इसको आपस में मिलाएंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे।
अब इसको पकड़ते हुए जो दूसरा सिरा आएगा उसका सेंटर निकाल लेंगे, तो ये बॉटम में चला जाएगा इस तरह से। अब एक पीस लेंगे जिप वाला हिस्सा और इस सेंटर से इस सेंटर को मिलाते हुए पहले ऊपर का सिलेंगे फिर नीचे का सिलेंगे। और अब ये साइड का सिल देंगे। सेम प्रोसीजर में इस पीस को भी हम जोड़ देंगे, पहले ऊपर फिर नीचे फिर लेफ्ट राइट में। ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया, खड़ा हो गया सीधा बिल्कुल, समझिए कि सारे जोड़ सही बैठ गए हैं। अब इसको हम सीधा करेंगे। करने के बाद ये जो हमने 10x10 की सिलाई दी है उस पर एक फिनिशिंग की मशीन चारों तरफ चला देंगे दोनों साइड में। और फिनिशिंग देने के बाद ये बैग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम स्क्वायर में बना है और इसमें हमने चार पॉकेट दी हैं। एक तो हमने यहाँ पर दी है, अंदर मैचिंग कलर का कपड़ा लगा दिया है जिससे खोलने पे ख़राब भी नहीं लगेगा। कोशिश करनी चाहिए कि अंदर से बाहर तक थोड़ा मैचिंग हो जाए। ये देखिए एक पॉकेट ही हो गई और एक पॉकेट हमने ये बड़ी वाली दे दी और एक पॉकेट छोटी दे दी, तो ये टोटल हमारे पास 4 पॉकेट का एक अच्छा बैग तैयार हो गया। और ये जो कपड़ा है ये प्योर कॉटन है, मैंने एक अपना नया सूट सिलवाया है तो उसमें से ये बचा था, तो मैं टेलर के पास से उठा लाई थी कि मुझे अपना बैग बनाना है, तो मैंने इस तरह का मिक्स मैच करके बना लिया। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नहीं फिर कुछ नया लेकिन मिलेगी। नमस्कार।